के शर्मा, प्रो चांसलर, एमिटी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश ग्वालियर। आज शुभ अवसर पर सभी देशवासियों और जो भारतीय विदेशों में बसे हुए हैं उनको और उनके परिवारों को स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 76 साल हो चुके हैं। बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है और ये और भी गर्व की बात है कि विदेशी शक्तियाँ आज हमारा लोहा मानती हैं। आज हमें उन सैनिकों को याद करने का समय है जिन्होंने देश के लिए पिछले 76 साल में हुई 7 लड़ाइयों में अपनी जान की कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हवा में, आज़ाद गगन के नीचे सिर उठाकर आज़ादी के साथ जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे सैनिक, जिसमें के हमारी सशस्त्र सेनाएं और अर्धसैनिक बल शामिल हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हर रोज हमारे जवान सैनिक अफसर अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं ताकि हम शांति से अपने घरों में बैठ सकें और सिर उठाकर जी सकें। आज हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम देश के कानून का पालन करें, जातिवादी से ऊपर उठकर भाईचारे के साथ राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार बने और अपनी ड्यूटी मन लगाकर देश की उन्नति के लिए करें। हमारे विद्यार्थियों से मेरा संदेशा यही है कि वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें और अपने चरित्र निर्माण पर और कर्तव्य का पालन करते हुए देश हित में सब कार्य करें, क्योंकि अगर देश है तो हम हैं और हमारा देश हमेशा इसी प्रकार उन्नति करता रहे। इसके साथ एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।